जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बूरसू से है, जहां निकटवर्ती ग्राम बरवाली स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में मां मंडलेश्वर रघुवर दास महाराज के सानिध्य में महंत मोहन दास महाराज की 38वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बुधवार शाम को विशाल भजन संध्या का आगाज मां मंडलेश्वर रघुवर दास महाराज ने महंत मोहन दास महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात दूर दराज से आए कलाकारों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भोर तक भजनामृत का रसपान करवाया। गुरुवार को प्रातः 9 बजे बालाजी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए महंत मोहनदास महाराज की समाधि स्थल पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महंत मोहनदास महाराज की विशेष श्रृंगारित झांकी के साथ मां मंडलेश्वर रघुवर दास महाराज, महंत बालक दास महाराज बरवाला सहित साधु महात्माओं की उपस्थिति से शोभा यात्रा में 4 चांद लग गए। वहीं श्रद्धालु भक्त हाथों में ध्वज पताका लिए गगनभेदी जयकारे लगाते नजर आ रहे थे, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा के दौरान महंत मोहनदास महाराज के समाधि स्थल पहुंचने पर मां मंडलेश्वर रघुवर दास महाराज व बालक दास महाराज ने ज्योत प्रज्वलित कर विशेष पूजा अर्चना की व उपस्थित श्रद्धालुओं ने धोक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया व देश में खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की व्यवस्था बजरंग दल के सदस्यों व स्थानीय युवाओं ने संभाली। इस दौरान सरपंच महेश जांगीड, उप सरपंच विक्रम सिंह सहित बरवाली, बरवाला, बोडसू, जोसरिया, मिंडकिया, भरनाई, कुचामन सहित आसपास के क्षेत्र के कई ग्रामों के श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं व युवक युवतियां मौजूद रहे। बोडसू से राकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज शिरोमणि भागवत का 100 रुपया 100 रुपया